सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ में अनामिका। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर के बिहार के मुस्लिम नेताओं ने भी खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री और कई मौके पर सार्वजनिक रूप से जय श्री राम का नारा लगा चुके बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम ने कहा कि अयोध्या समेत पूरा भारत सामाजिक सौहार्द की भूमि बने, हम यही चाहते हैं। खुर्शीद आलम ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो किसी भी पक्ष ने कोई विवाद नहीं खड़ा किया, उसके बाद ही तय हो गया था कि हिंदुस्तान सर्वधर्म और मिल्लत का देश है। यहाँ लोग मिलजुल कर आपसी सौहार्द बनाकर रहना चाहते हैं और उम्मीद है कि 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ ही ये भाईचारा और मजबूत हो गया। खुर्शीद आलम बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। बगहा की सिकटा विधानसभा से चुनाव जीत कर आते हैं। ये वही खुर्शीद आलम हैं जिन्होंने कई बार सार्वजनिक तौर पर भी किसी पर्व के मौके पर जय श्री राम का नारा लगाया है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अपने विधानसभा में उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया है। खुर्शीद आलम अकेले नहीं है जो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं। जेडीयू के ही कट्टर मुस्लिम नेता और फिलहाल एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी भी मानते हैं कि अविवाद की तो कोई बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम धर्म के लोगों ने देश में कहीं विरोध की आवाज नहीं उठाई। उसी वक्त साफ हो गया था कि हिंदुस्तान की आवाम में आपसी भाईचारा किस कदर तक भरा हुआ है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि विवाद का हल सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया है तो अब भला विवाद की बात कहां रही। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है और ये पूरा विश्व जानता है। हिंदुस्तान में सारे के सारे धर्म को बराबर का हक मिला हुआ है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के बाद ये मैसेज पूरे विश्व में जाना चाहिए कि आपसी मिल्लत की धरती हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता कितनी मजबूत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।